हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम स्पेशलिस्ट। कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया होंगे आप अपने परिवार और फैमिली के साथ। तो दोस्तों, आज मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ, और बात ये है कि यूट्यूब पे काम करते करते मुझे 4 साल हो गए हैं, और शुरू के 1 साल में मैंने कुछ वीडियोस डाली और फिर मैंने बंद कर दिया कि कुछ ना होगा मुझसे, कुछ ना होगा। लेकिन फिर आई, फिर से 1 साल वीडियो थोड़ी बहुत डाली और फिर बंद कर दिया कि भाई मेरे बस की नहीं है ये सब करना, फिर छोड़ दिया मैंने। लेकिन फिर पता नहीं, फिर से कुछ आया दिमाग में मेरे और मैं फिर से आ गई, और अब तो 2 साल से कंटिन्यू हूँ। तो इतनी मेहनत मैं कर चुकी हूँ यूट्यूब पर कि पूछिए मत। मैंने अपना हर टैलेंट डालने की कोशिश की यूट्यूब पर, मैंने हर अपना टैलेंट डालने की कोशिश की यूट्यूब पर। या तो यूट्यूब को मैं समझ में नहीं आई, या यूट्यूब मुझे समझ में नहीं आया। कढ़ाई, सिलाई, बुनाई, पेंटिंग, आर्ट, क्राफ्ट, A to Z, खाना, सब की वीडियोस मैंने डाली है, और मैंने बहुत मेहनत की मगर मेरा चैनल कुछ ग्रोथ ही नहीं कर रहा था। तो एक दिन मैं अपने फार्म हाउस ऊपर गई और मैंने अपनी मुर्गियों की वीडियो बना के डाल दी, तो उससे मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। बट ज़्यादातर तो मैं पेपर कटिंग की ही वीडियो डालती हूँ, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा पेपर कटिंग के ही हैं, और वो मेरे शॉर्ट तो वायरल होते हैं लेकिन ज़्यादा, इतने ज़्यादा वायरल नहीं होते कि मैं उससे मोनेटाइज हो जाती। तो मुर्गी की वीडियो से मैं मोनेटाइज हुई, तो फिर मेरे समझ में आया कि शायद लोगों को ये फार्म हाउस की वीडियो पसंद है, तो फिर मैं उसकी बनाने लग गई। मुर्गी फार्म की जो वीडियोस थी वो मेरी वायरल हुई और उससे मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। तो मुझे समझ में आया कि शायद ये लोगों को पसंद आता है, तो फिर मैंने उसकी बहुत सारी वीडियोस बनाई और मैं बनाती रहती हूँ अभी भी, और भी अपना टैलेंट डालती रहती हूँ। ऐसी बात नहीं कि मैं कुछ ना कुछ उस पर डालती ही रहती हूँ। मेहंदी की, पेपर कटिंग की, क्योंकि पेपर कटिंग के सब्सक्राइबर मेरे ज़्यादा हैं तो शॉर्ट उसी के ही चलते हैं। अगर मैं फार्म की ही वीडियो डालूँ तो सिर्फ शॉर्ट ज़्यादा में कुछ शॉर्ट में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, तो क्या दिखाएंगे शॉर्ट में, तो सब्सक्राइबर कैसे बढ़ेंगे। तो इसलिए साथ में पेपर कटिंग की भी मैं रखती हूँ, और मैं पेपर इतना अधिक काट चुकी हूँ कि 4 साल से मैं पेपर ही काट रही हूँ। समझिए आप, 4 साल हो गए कंटिन्यू पेपर काटते काटते, तो दिमाग ही तो है, कहाँ से लाऊँ इतने डिज़ाइन कि मैं नए नए डिज़ाइन रोज़ कहाँ से लाऊँ इतने डिज़ाइन। लेकिन फिर भी मैं, हिम्मत नहीं आ रही है, और मैं कंटिन्यू काम करती रहती हूँ और नए नए डिज़ाइन डालती रहती हूँ। इतने पेपर काट चुके हूँ एक बारी में, एक दिन में मैं 3 पेपर काटती हूँ, 3 पेपर की वीडियोस बनाती हूँ, और तो समझिए 4 साल में मैंने कितने पेपर काट दिए होंगे, आप समझिए। और मैं हर तरीके से कोशिश करती हूँ। सब हंसते हैं, कहते क्या करती रहती हो, कुछ तो होने वाला है नहीं, इससे क्या होगा, इसमें कुछ नहीं होगा इसमें। और मैं खाने की हर तरह की वीडियो बनाती रहती हूँ, तो 4 साल हो गए हैं, और मेरे सब्सक्राइबर हैं 8,000 कुछ करके सब्सक्राइबर हैं मेरे, 8,500, और वीडियो समझे कितनी हैं, 4,300 वीडियोस, उससे कुछ ज़्यादा क्यों ना हो, कम नहीं है। कितनी मेहनत है मेरी, और फल क्या मिल रहा है मुझे, अभी तक 1 रुपया मेरा यूट्यूब से नहीं है, 1 रुपया भी, और अब बहुत स्लो चैनल चल रहा है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं यूट्यूब पे रहूं कि छोड़ दूं, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किया, बहुत टाइम दिया यूट्यूब को, सही में इतनी मेहनत हद से ज़्यादा है। 4 साल यूट्यूब को देना और इतने पैसे भी खर्च करना, टाइम भी देना और सबकी सुनना भी कि क्या होता है यूट्यूब से, कुछ नहीं होता, सब फेक है, सब झूठ बोलते हैं, कोई पैसे वैसे नहीं कमा जाते हैं यूट्यूब से, सब ऐसा बोलते हैं। लेकिन मैं, हिम्मत नहीं आ रही और मैं लगी रही, लेकिन अब तो मैं भी हिम्मत हारने लगी हूँ, क्योंकि भाई 4 साल कोई मामूली बात नहीं होता है, उसमें मैं बहुत ज़्यादा ही इन्वेस्ट भी कर चुकी हूँ। अब समझ में नहीं आ रहा मुझे कैसे छोड़ूँ, कैसे कंटिन्यू रखूँ। छोड़ने का मन यूँ नहीं होता, मेहनत बहुत की हुई है और कंटिन्यू हो नहीं रहा है। अब कितना आप बनाऊँ वीडियोज़ में, कितनी बताइए। बहुत सारे यूट्यूब पर ऐसे भी लोग होते हैं कि सिर्फ मिट्टी खाते हैं, मुल्तानी मिट्टी, बताओ उससे क्या आपको हासिल है, कुछ सीख रहे हैं आप उससे? वो मिट्टी खा रहे हैं और नोट छाप रहे हैं, उसमें कुछ नहीं कर रहे वो लोग, आप उनको वायरल कर देते हो, और जो इतनी मेहनत करता है वो कुछ नहीं। फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट्स में बताएं, मेरा तो दिमाग चलना बंद हो गया,
भ्रष्ट हो गया है दिमाग कि मैं करूँ तो करूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ। इतनी मेहनत करने के बाद मैं उसे छोड़ भी नहीं सकती और उसे चलाना मेरे बस के रहा नहीं कि मैं क्या करूँ, क्या कैसी वीडियो डालूँ कि लोग पसंद करें, क्या मैं करूँ। मैं तो खुद कंफ्यूज हूँ। आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि मैं अपना यूट्यूब चैनल बंद कर दूँ कि जारी रखूँ, और जारी रखूँ तो क्यों रखूँ और बंद करूँ तो क्यों करूँ। समझ में नहीं आ रहा, ये तो यहाँ की यहाँ टक गया है कि मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ। मुझे आप सब सजेस्ट करें, कमेंट्स में बताएं मुझे आप, क्योंकि भाई बहुत मेहनत की है मैंने, सही में बहुत ज़्यादा है। क्योंकि डिज़ाइन, इतने डिज़ाइन, अलग अलग डिज़ाइन, एक डिज़ाइन नहीं होता, सारे डिज़ाइन अलग मिलेंगे, और अलग अलग डिज़ाइन काटना मामूली बात नहीं होता है, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है, बहुत दिमाग लगता है। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं, बाय बाय।